नमस्कार दोस्तों, ऑटोमेशन कंसेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, जिसमें हम देखेंगे कि एज ए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर आप कौन कौन से सेक्टर में काम कर सकते हो और इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होती है, इसमें सैलरी कितनी होती है और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का फ्यूचर क्या है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट इंजीनियरिंग, जहां पर आपको फिजिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो, लेवल, फ्रिक्वेंसी, इन तरह की प्रॉपर्टीज को सेंस करना है, मेजर करना है, मॉनिटर करना है और कंट्रोल करना है। तो इसके लिए आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे टेम्परेचर, फ्लो, लेवल, फ्रिक्वेंसी, इनका सेंसिंग एंड मेजरिंग डिवाइसेस जैसे सेंसर्स, ट्रांसड्यूसर, ट्रांसमीटर, इनका और मॉनिटर एंड कंट्रोल डिवाइसेस जैसे कि PLC, SCADA, DCS, HMI, इनका अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ये सब हमने पिछले वीडियो में कवर किया है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको ज़रूर देखें। ऐसे सेक्टर्स जिसमें इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर काम कर सकता है, ऐसे कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। बायोमेडिकल, टेक्सटाइल, फूड इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, पेट्रोकेमिकल, स्टील, फर्टिलाइजर, सीमेंट, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोटिव, फार्मा, कंस्ट्रक्शन, ऐसे कई सारे सेक्टर्स जहां पर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर काम कर सकता है। पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन जैसी महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न पब्लिक सेक्टर्स में आप एज ए इंजीनियर काम कर सकते हो। लेकिन आपको इसके लिए गवर्नमेंट एग्जाम जैसे कि गेट की एग्जाम देनी पड़ेगी। प्राइवेट सेक्टर्स में आप सेल्स इंजीनियर, सर्विस इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर, लाइन प्रोडक्शन इंजीनियर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। मेनली इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में आप एज ए डिजाइनर, ऑपरेटर, मेंटेनेंस, इस तरह के भी काम कर सकते हो। पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट जॉब में आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी 35,000 से लेकर 40,000 तक, यानी एनुअली वो होगी 4 से 5 लाख तक। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी सैलरी भी ग्रो होती रहेगी। वही प्राइवेट सेक्टर में स्टार्टिंग जॉब आपको मिलेगी 12,000 से लेकर 18,000 तक पर मंथ। जैसे जैसे आप इसमें काम करोगे वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, वैसे आपकी सैलरी इसमें भी ग्रो होती रहेगी। जहां MNC कंपनीज में जैसे कि सीमेंस है, एलम ब्रेडली है, इन तरह की कंपनीज में आपको 2 लाख तक की सैलरी मिल सकती है। और अगर आप अपने फील्ड में मास्टर हो चुके हो, आप इंस्ट्रूमेंटेशन में मास्टर हो चुके हो, तो आप खुद की कंपनी भी शुरू कर सकते हो, जहाँ पर आप एज अ सेल्फ एम्प्लॉय भी काम कर सकते हो। इंडिया और ओवरसीज मार्केट में इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स की अच्छी डिमांड है। 2021-22 के आंकड़े अनुसार इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर का मार्केट शेयर 25 से 30 हज़ार करोड़ का था। आने वाले 10 सालों में ये मार्केट 40% तक बढ़ सकता है। आज लगभग सारे सेक्टर्स में इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स की अच्छी डिमांड है जो स्किल्ड है। तो आप भी एक स्किल्ड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर बनिए, हमारे वीडियोस को जरूर देखें। और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स के लिए ये एक डेडिकेटेड चैनल है, तो इस चैनल के साथ बने रहिए और उससे सीखें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।